अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहिन मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली है टूल्स के ऊपर। वो टूल्स जो हमें स्ट्रोक्स के अंदर यूज़ करने में हेल्प करते हैं, जैसे पेंसिल टूल है, दो तीन टूल और है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से टूल्स होते हैं जो हमें स्ट्रोक्स में जो है वो हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने टूल बार के अंदर। यहाँ पर हमें मिलता है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल के अंदर हमें यहाँ पर कुछ और भी टूल्स मिलते हैं। अब बेसिकली पेंसिल टूल क्या है? पेंसिल टूल की हेल्प से जो है वो आप किसी भी टाइप के शेप्स बना सकते हैं। जैसे भी आपको जो शेप्स क्रिएट करने हैं वो आप पेंसिल टूल की हेल्प से ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। अब एक मेन चीज़ इसके अंदर ये होती है कि ये जो लाइंस होती है, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो वो आप कहाँ से करेंगे? यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो कलर फिल है वो ऑफ है, क्योंकि पेंसिल टूल की ये एक बात होती है कि इसके अंदर आपके पास जो है वो फिल नहीं होता, इसके अंदर आपके पास स्ट्रोक होती है। तो जब भी आपको इस लाइन का कलर चेंज करना होना, तब आप जाएंगे स्ट्रोक्स के अंदर। यहाँ आप इजीली इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको इसका कलर चाहिए। एंड देन आप यहाँ पर जो है वो लाइन बनाएं एंड इसका स्ट्रोक जो है वो चेंज हो जाएगा। अब मैं इस पूरे को करती हूँ डिलीट। एंड अब नेक्स्ट टूल है हमारे पास यहाँ पर स्मूथ टूल। अब बेसिकली स्मूथ टूल क्या होता है? स्मूथ टूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं जाती हूँ पेन टूल के अंदर। यहाँ पर बनाती हूँ एक रफ लाइन। अब मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। अब मैं जाती हूँ स्मूथ टूल के अंदर। अब बेसिकली स्मूथ टूल का क्या काम होता है? आपके जो कॉर्नर्स हैं, एजेस है, अगर वो शार्प हो तो आप उसको स्मूथ टूल की हेल्प से जो है वो स्मूथ कर सकते हैं। उनके एजेस जो उनके कॉर्नर्स होते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आप देखिए आपको डिफरेंट एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, एंड जब आप अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो आप जो है वो बहुत ईजीली यहाँ पर जो आपके कॉर्नर्स है उसको आप स्मूथ कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं इस पूरे को करती हूँ डिलीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूल के ऊपर। नेक्स्ट टूल हमारे पास है यहाँ पर पाथ रेजर टूल। अब बेसिकली पाथ रेजर टूल के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक शेप और यहाँ पर जो है वो मैं जाऊंगी पाथ रेजर टूल के अंदर। अब पाथ रेजर टूल की हेल्प से आप किसी भी पाथ को जो है वो इरेज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने करी ये पाथ रे। अब इस पाथ को इरेज करने के बाद हमारे पास ये जो इरेज होने के बाद ये जो अलग अलग लाइंस बन गई है वो एक डिफरेंट शेप्स बन गए। इन सबको आप एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर शेप को जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, और यहाँ पर आप इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं। ये सब जो है वो एक अलग अलग लाइन हो गई है जिसकी हेल्प से जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहीं मूव भी इजीली हो जाती है। तो यही आप पाथ रेजर टूल की हेल्प से किसी भी एक शेप में से कुछ शेप को अलग कर सकते हैं, कुछ लाइन को अलग कर सकते हैं, किसी भी पाथ को आप इजीली इरेज कर सकते हैं। अब मैं करती हूँ इन सबको सेलेक्ट और यहाँ पर मैं करती हूँ इसको डिलीट। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है जॉइंट टूल। अब जॉइंट टूल के लिए सबसे पहले मैं जाती हूँ पेन टूल के अंदर। यहाँ पर जो है वो मैं एक ये लाइन बनाती हूँ, देन एक इस तरफ लाइन बनाती हूँ, अलग अलग बनाएंगे, देन इस तरीके से, एंड देन लास्ट मैं ये वाली लाइन बनाती हूँ। अब बेसिकली जॉइंट टूल क्या काम करता है? जॉइंट टूल मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये जो आपके पास एक्स्ट्रा लाइन आ रही है ना, जॉइंट टूल की हेल्प से आप इस एक्स्ट्रा लाइन को जो है ना वो कट कर सकते हो। खाली एजेस जो है इसके एंकर पॉइंट्स यहाँ पर आकर एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं जॉइंट टूल के अंदर। यहाँ पर जब हम इसको करेंगे सेलेक्ट, इसको भी करेंगे ड्रैग इस तरीके से, अपने माउस की हेल्प से जब आप ड्रैग करेंगे तो जितने भी आपके कॉर्नर्स में जो एक्स्ट्रा लाइन जा रही होगी ना वो सब हट जाएंगे, एंड देन ये आपकी जो एंकर पॉइंट्स होंगे, एंड के एंकर पॉइंट्स, इन दोनों को एक साथ मर्ज कर देंगे। तो यही काम हमारे पास जॉइंट टूल का होता है। अब इधर हमारे पास एक लास्ट टूल होता है शेपर टूल। अब शेपर टूल की हेल्प से क्या होता है? कई बार ये होता है कि हमें शेप्स बनाने होते हैं और अगर हम कभी रफली कोई शेप बना लेते हैं तो शेप टूल की हेल्प से हम जो भी शेप बनाते हैं ये एक पर्टिकुलर परफेक्ट शेप में जो है उसको चेंज कर लेता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लूँ तो ये परफेक्ट रेक्टेंगल बना देगा,
मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रही, तो ये सर्कल बना देगा। इसी तरीके से शेप टूल जो है वो, लेकिन ये जो है वो बेसिक शेप जो हमारे पास जो होते हैं ये वो हमें बना कर देता है यहाँ पर। आई होप आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी। आज जो मैंने आप लोगों को पेंसिल टूल समझाया, पाथ रेस टूल समझाया, शेपर टूल समझाया, ये जो दो तीन टूल्स और समझा है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। उसको किस तरीके से यूज़ करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करो, मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो और पास में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिलते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।